हेलो बच्चों। हाँ, तो आज हम 10वीं कक्षा लोक भारती हिंदी की पुस्तक पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पहली कविता भारत महिमा के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं और इनका परिचय, इनका जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यास तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत एवं ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। ठीक है, इनका परिचय दिया। आप पद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उनके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, तो कविता का नाम है भारत महिमा। तो शुरू करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। यहाँ पे उसे का अर्थ है भारत देश को। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। अब ये सोचिए कि भारत देश को किरणों का उपहार कौन देती है। और आगे लिखा है, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। उषा किस प्रकार अभिनंदन कर रही है और किस तरह से उन्हें हीरो का हार पहना रही हमारे भारत देश को। तो इसे हमें इस तरह कवि ने बताया है कि जो हिमालय पर्वत है, आपको पता है ना, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत आता है। तो जब पूर्व दिशा से सूर्य उगता है तो उसकी जो पहली किरण है वो पहले हिमालय पे पड़ती है, हिमालय पर्वत पे पड़ती है। और उसकी किरणें जब हिमालय पर्वत पे पड़ती है तो हिमालय पर्वत के टॉप पे आपको पता होगा कि सारे बर्फ़ से ढकी होती है, बर्फ से घिरी होती है। तो उन पे जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो चमकने लगती है, और वो जब चमकता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई हीरा चमक रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कवि ने कहा है कि जब किरणों का उपहार मिलता है, जब किरण, सूर्य की किरणें जब वो हिमालय पर्वत पे पड़ती है यानी उनका उपहार मिलता है, तब उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। उसी प्रकार जो उषा है, उषा का अर्थ यहाँ पे सुबह है, जब सुबह प्रातः होती है, सुबह जब होती है तो वो हंसकर अभिनंदन करती है और उसे हीरो का हार पहनाती है। अब हीरो का हार, क्योंकि जब वो किरणें उस बर्फ पर पड़ती है तो वो चमकने लगती है इस तरह से जैसे कोई हीरा चमकता है, और ऐसे प्रतीत होता है जैसे हमारे भारत देश ने हीरो का हार पहना है। ठीक है, तो फिर से दोहराती हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। ठीक है, तो दूसरी लाइन है यहाँ पे, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल सृष्टि हो उठी अशोक। यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे देश, भारत देश, जब सर्वप्रथम जगे हम, भारत देश में जब लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहले हम में जागरूकता आई और फिर उस ज्ञान को हमने पूरे विश्व में फैलाया और लोगों में फैला दिया और आलोक किया। आलोक मतलब उजाला हुआ, ज्ञान का उजाला चारों ओर हमने फैला दिया और जो अज्ञानता का अंधकार था उसे नष्ट किया। अखिल सृष्टि हो उठी अशोक, और पूरा विश्व इससे प्रकाशमान हो गया। ज्ञान की प्रकाश पूरे विश्व में फैल गई और फैला दी। किसने? हमने, हम भारतवासियों ने, हमारे भारत देश ने। ठीक है, तीसरी लाइन, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्री, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तप मधुर साम संगीत। यहाँ पे बता रहे हैं कि वाणी की देवी सरस्वती, वाणी की देवी सरस्वती ने अपने कमल कोमल करों में, कमल कोमल मतलब कमल के समान जो कोमल कर, हाथ कर मतलब हाथ, अपने कमल के समान जो कर है उसमें उन्होंने पानी वीणा ली और उसके झनकार से जो उसकी झनकार उठी उससे सप्त सिंधु में,
सप्त स्वर छिड़े, मतलब सप्त सिंधु में सप्त स्वरों का उदय हुआ, स्वर संगीत का उत्पन्न किया उन्होंने, और वह साम संगीतों के वेद में साम वेदों की रचना की उन्होंने। किसने? हमारे सरस्वती देवी ने। और वह संगीत हमने हमारे भारत में हुआ था, हमारे भारतवर्ष में उसका उसके बारे में पता चला था पहले, सबसे पहले। नेक्स्ट लाइन, चौथी लाइन इस प्रकार है, विजय केवल लोही की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षुक होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं, लोहे का अर्थ मतलब बलपूर्वक हमने देशों को नहीं जीता, हमने अपने धर्म से अपने प्रेम से भी देशों को जीता है। और भिक्षुक होकर रहते सम्राट, आपको पता है ना कि सम्राट अशोक जिन्होंने पहले तो युद्ध करके विश्व पे अपना विजय प्राप्त किया था, लेकिन अंत में उन्होंने भिक्षुक का रूप धारण किया था, बौद्ध रूप ले लिया था, बौद्ध रूप जो धर्म का प्रसार करते थे। तो यहाँ पे वही बताया, भिक्षुक होते होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर रूप, ऐसे लोग जो कभी योद्धा थे उन्होंने भिक्षुक का रूप लेकर घर घर जाकर धर्म का प्रसार और संचार किया। ठीक है, आगे की लाइन, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यहाँ पे मोहम्मद गोरी के बारे में बताया है कि मोहम्मद गोरी करके एक योद्धा थे जिसके ऊपर हम भारतवासियों ने विजय उसे पराजय किया था, उस पर हमने विजय की प्राप्ति की थी, और उसे पराजय करने के बाद भी हम भारत देश में दयापूर्वक हम भारतीयों ने दयापूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया था, उन्हें क्षमा का दान दे दिया था। और चीन को मिली थी धर्म की दृष्टि, और जो गौतम बुद्ध थे वो यहाँ से चीन तक पहुँचे थे और उन्होंने अपने धर्म का प्रसार किया था, और यहाँ तक कि जावा और श्रीलंका ऐसे देशों में भी जाकर हमने पंचशील की दृष्टि मतलब ज्ञान उन्हें दिया था। पंचशील की दृष्टि मतलब यहाँ पे बताया है, पंचशील में पांच, अहिंसा, अस्तेज, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचारी, ये पांच जो मेन शब्द है, जैसे पांच पंचशील सिद्धांत, हाँ पांच सिद्धांत है जिन्हें हमने चीन को श्रीलंका को दिया था। ठीक है, आगे किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यहाँ पे बता रहे हैं कि हम भारतवासियों ने कभी भी किसी से छीना नहीं, जो हमारे पास था उसी से हम संतुष्ट थे, और जो सृष्टि थी, जो प्रकृति थी, उसका जो पालना था वो हमारे यहीं पे था, जैसे नदियाँ, वादियाँ, गिरी, शिखर, ये सब हमारे भारत देश में ही पाए जाते हैं, इसलिए प्रकृति ने फल फूल सब कुछ हस्तमुख से हमें प्रदान किया और हमने उसे संभाला और उसका पालन किया। हमारी जन्मभूमि थी यही, यहाँ पे बता रहे हैं कि हम कहीं किसी और जगह से आके यहाँ बसे नहीं थे, हमारी जन्मभूमि भारत देश था और हम यहीं पर रहते थे। अगली पंक्ति है, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन। यहाँ पे कवि बताना चाहता है कि चाहते हैं कि हम चरित्रवान थे, मतलब हमारे देश के जो लोग हैं वो चरित्रवान थे और हमारी भुजाओं में शक्ति थी, जिस प्रकार आपको पता होगा ना कि फ्रीडम फाइटर्स कैसे युद्ध किए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, और योद्धा थे कितने महान जिन्होंने युद्ध करके हमारे देश को जीता या उसे आगे बढ़ाया। तो हमारे भुजा में थी शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, और हमारे अंदर नम्रता सदैव बनी है, हम अच्छों के साथ अच्छे रहते हैं और बुरों के साथ बुरा। हृदय के गौरव में था गर्व, हमें घमंड नहीं था कभी किसी चीज़ का, लेकिन हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता पे गर्व था और सदा रहेगा।
किसी को देख न सके विपिन, इसका अर्थ अगर कोई दिन दुखिया हमारे सामने आता है तो बिना उसकी सहायता किए हम नहीं रह सकते, हम खुले हाथ से उनकी सहायता करते हैं, ये हम भारतवासियों का धर्म है। ठीक है, आगे की पंक्ति, हमारे संचयन में था दान, अतिथि ते सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि हमारे संचयन में था दान, भारतवासियों में हमेशा जो भी संचयन किया, जो भी धन संपत्ति जमा की, उससे समय आने पे उन्होंने दान करना भी सीखा है, दान भी किया है। तो ये भारतवासियों का ये सभ्यता है, भारतीयों का, कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ है तो हम उसे दान भी कर सकते हैं। अतिथि थे सदा हमारे देव, और ये तो आप सभी बच्चों को पता है कि अतिथि देवो भव, मतलब जो भी अतिथि आते हैं हमारे देश में या हमारे घर में, हम हमेशा उन्हें देवो भव के दृष्टि से ही देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वचन में वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेप। हमारे वचन में हमेशा सत्य, जो हम कहते थे, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, ये सत्य है हमारा वचन। हृदय में तेज और प्रतिज्ञा रहती थी टेप, हमेशा हम आगे बढ़ने की सोचते थे, और जो हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसका हम पालन करते ही है, अटल रहते हैं, जैसे प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, समझ आया बच्चों? आगे नेक्स्ट पंक्ति, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि आज की जनरेशन, जो आज का युग चल रहा है, जो आज की युवा पीढ़ी है, तो उस पीढ़ी में भी वही रक्त है और वही देश है जो पहले हुआ करता था, वही साहस आज भी है और वैसा ही ज्ञान है, वही शांति है और वैसी ही शक्ति आज की युवा पीढ़ी में भी है, और वही हम दिव्य आर्य संतान, जो आज की संतानें हैं उसी आर्य दिव्य आर्य जो थे उन्हीं की संतान है। तो आज भी देश, आज भी वही भारतवासी है। जिए तो आगे की पंक्ति, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि हम जब भी जिए सदा इसी के लिए, अपने देश के लिए जिए, यही अभिमान रहे, और ये अभिमान हमें हर्ष रहे, मतलब यह इस बात का हमें गर्व रहे कि हम इस देश में रहते हैं, और अपना सर्वस्व हम इस देश के लिए निछावर कर दे, और वह देश हमारा प्यारा भारत देश है। धन्यवाद बच्चों।